तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर दिवाली के लिए कौन से स्टॉक सही रहेंगे। तो ये मैं पहला स्टॉक देखिएगा यहाँ पे रिसर्च करके लाया हूँ, और दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में ये स्टॉक बेटर क्यों रहेगा। और इवन मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, यानी कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम होता है दिवाली में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, जो भी आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जिन स्टॉक्स में आपको एक साल अगली दिवाली तक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिलता है। तो इस स्टॉक में मुझको लगता है कि दिवाली, इस दिवाली पे अगर आप इसको लेते हैं तो अगली दिवाली पे तो मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी, यानी कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम होगा उस पर्टिकुलर टाइम में भी स्टॉक में थोड़ा सा रन देखने को मिलेगा, 3-5% जो भी समथिंग देखने को मिले वो तो आपको पता ही चल जाएगा। और क्यों अगली दिवाली तक ये अच्छे रिटर्न बना के देगा, ये फैक्टर आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आप लाइक करेंगे, और अगर 1000 प्योर लाइक आते हैं कल सुबह तक तो आपको कल एक और अच्छा स्टॉक जो दिवाली के दिन भागेगा, वो एक बहुत ही शानदार स्टॉक है जिसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों बात को शुरू करते हैं, स्टॉक का नाम है IDBI बैंक। तो IDBI बैंक क्यों, अभी रिजल्ट आए, जस्ट अभी रिजल्ट आए हैं और प्रॉफिट में जंप देखने मिला है 46% का। कल मैंने देखिएगा आपको बताया था एक्सिस बैंक के बारे में, और मैंने कहा था पासा पलट जाएगा। क्यों कहा था, क्योंकि एक्सिस बैंक ने देखिएगा ऐसा नहीं कहा था, वहां प्रेडिक्शन किए गए थे 30% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 40% का जंप, और वहां पे 70% का जंप देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी शानदार जंप देखने को मिला था। तो मैंने आपको कहा था ये एक पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी बैंक को रन करा सकता है, आप वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले मैंने इंडसइंड बैंक कहा था, तो मैंने कहा था कि इंडसइंड बैंक और देखिएगा दोनों AU बैंक, दोनों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, एवरेज रिजल्ट हैं। तो आपने देखा कि वहां पे डाउनफॉल आया, वीडियो पोस्टेड है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे रिजल्ट काफी बेटर है, PSU बैंक है इसलिए रिजल्ट काफी बेटर है। अगर ये प्राइवेट बैंक होता तो एज सच नहीं कह सकते थे, लेकिन PSU बैंक है, साथ ही साथ ये रडार पे है, ये गवर्नमेंट की रडार पे है, ये पर्टिकुलर बैंक गवर्नमेंट की रडार पे है पूरी तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो NII में भी अगर आप देखेंगे तो 48% की ग्रोथ देखने मिली है, और यहाँ पे प्रोविजन है वो देखिएगा थोड़े से राइज हुए हैं, क्योंकि बैकएंड पे आपको पता है कि PSU बैंक में NPA ज़्यादा होते हैं, कंपैरेटिवली NPA होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो प्रॉफिट आए हैं वो आए हैं 8-8, पिछली बार कितने थे 5-7, इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में जो आए थे, तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि देखिएगा डिफरेंस होता है इंटरेस्ट अर्न एंड पेड, तो अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी जंप देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया, बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला है। इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है RBI ने रेट लगातार मल्टीप्लाई करके देखिएगा मल्टीपल बेसिस पे हाइक करे हैं, और आपको पता है एक साल पहले की स्थिति और इस पर्टिकुलर स्थिति में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। और बैंक के जो लोन हैं, एडवांसेस हैं फॉर द क्वार्टर ₹1.46 लाख करोड़, अप 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस, और डिपॉजिट भी यहाँ पे देखिएगा 3% से बढ़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन कॉन्टिन्यू चल रहा है, जो कि एक बड़ी बात है। और यहाँ पे अदर अगर आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो और समथिंग देखिएगा यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ NPA की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस NPA एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस फॉलिंग मोर देन 3%। तो यहाँ पे NPA जो ग्रॉस NPA हैं वो भी यहाँ पे गिरे हुए हैं, अच्छी बात है। नेट NPA जो हैं वो देखिएगा 1.15% से देखिएगा गिरे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और मैंने जब आपको बताया है कि जब भी आप रिजल्ट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम देखें तो तुरंत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आ जाएं, तो मैंने देखा PBT अच्छे ग्रो हुए हैं, पिछली बार PBT क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतने थे, इस बार अच्छे आए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लगातार जंप हो रहे हैं, लाइक इस बार भी कॉन्टिन्यू ग्रोथ है, तो सीक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी पॉइंट और अच्छा देखिएगा बेस है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। एज सच बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू के मामले में कहेंगे तो अच्छा जंप है,
कॉस्ट बड़ी है, इसलिए कंपैरेटिवली आपको जो पर्टिकुलर देखेगा यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है, आपका प्रॉफिट वो उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। और स्टॉक में आज ज़्यादा मोमेंटम था नहीं, तो इसलिए भी ये मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे देखिएगा रिजल्ट आए तो एक पिक मिल सकता है स्टॉक को, आईडीबीआई बैंक को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम 5 दिनों से बना हुआ था और ये स्टॉक अभी बिल्कुल भी देखिएगा रनअप नहीं हुआ है। मैंने आपको 38 रुपये पे भी बताया था ये स्टॉक देखिएगा आपको 5-10% के रिटर्न बना के दे सकता है, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला है। फिर 46-48 के लेवल पे भी चला जाता है, बट आफ्टर दैट प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब बड़ी बात क्या है, अगली दिवाली तक क्यों होल्ड किया जाए? अगली दिवाली तक इसलिए होल्ड किया जाए क्योंकि सेंटर पूरी तरीके से इस बैंक की बिकवाली में लग चुकी है, जिसमें LIC अपना स्टेक सेल करेगा, गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करेगा, और जब ये पर्टिकुलर स्टेक सेल होगा तो ये स्टॉक जो मौजूदा भाव पे है वहाँ से कम 20% से तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि अगली दिवाली तक आपको 20% के रिटर्न तो ये स्टॉक बना के देगा ही देगा यहाँ से। अब एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या हो सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। LIC के पास जो स्टेक है वो जो भाव है वो 65 रुपीज़ का है, स्टॉक 44 रुपीज़ का है। मैक्सिमम जब भी कोई स्टेक सेल करता है तो वो कोशिश करता है कि जिस वैल्यूएशन पे उसके पास स्टेक है उससे कम कुछ ऊपर बढ़ के सेल किया जाए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर 50-55 रुपये का भी वैल्यूएशन आता है तब भी स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा, 20% से ज़्यादा के रिटर्न बना के देगा। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक ऐसी रिपोर्ट है और लगातार अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की न्यूज़ में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लगातार वैल्यूएशन चल रहे हैं, लगातार देखिएगा बिड्स मंगाए जा रहे हैं और जल्द ही देखिएगा एक बहुत ही अच्छा बिडर इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा और फिर स्टेक को सेल किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की सख्त ज़रूरत है और इस पर्टिकुलर से स्टेक सेल से गवर्नमेंट को अनुमानन अभी तो कंफर्म नहीं है लेकिन अनुमानन देखिएगा 60 या फिर 64,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन अगर मिलती है तो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगली दिवाली पे ये क्यों रिटर्न बना के देगा, क्योंकि तब तक ये प्राइवेटाइजेशन में जा चुका होगा। और इस पर्टिकुलर दिवाली पे क्यों जम देखने मिलेगा, चूंकि इनके रिजल्ट अच्छे आए। तो आई गेस वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।